लीग को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले छात्र भविष्य से खिलवाड़ कर रही है सरकार। दुनिया में युद्ध रुकवाने वाले मोदी अपने देश में पेपर लीक नहीं पाए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा दावा, बोले तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम ने सिकंदर यादवेंदु के लिए गेस्ट हाउस में कमरा बुक करवाया, कॉल डिटेल के सबूत भी दिखाए, पीडब्ल्यूडी के 3 कर्मचारी निलंबित। नीट पेपर लीक को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार, गृह और शिक्षा मंत्रालय ने बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध यूनिट के एडीजी को दिल्ली तलब किया, रिपोर्ट मिलने के बाद बड़ा एक्शन संभव। नीट मामले में पटना से गिरफ्तार चारों छात्रों का बड़ा कबूलनामा, पुलिस की पूछताछ में बोले वही सवाल आए जो एक रात पहले मिले थे, चारों ने सिकंदर यादवेंदु को ही बताया मास्टरमाइंड। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने पर शिक्षा मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल बोले हमारे लिए छात्र हित सर्वोपरि, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, परीक्षा की अगली तारीख का ऐलान जल्द। बिहार के नीतीश सरकार को बड़ा झटका, जातीय जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाने के फैसले पर पटना हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 50% से बढ़ाकर 65% किया गया आरक्षण कोटा रद्द। आज से 2 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, घाटी को 1500 करोड़ की 84 परियोजनाओं की देंगे सौगात, कल श्रीनगर में डल झील के किनारे 7000 लोगों के साथ योग। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा के करोड़ों के आलिशान घर पर बुलडोजर चला, प्रयागराज में वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना रखा था अवैध आशियाना। तमिलनाडु के कलाकुरुची में जहरीली शराब से 34 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, तमिलनाडु सरकार ने CBCID जांच का आदेश दिया। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले में आज भारत और अफगानिस्तान की टक्कर, बारबेडोस में रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला, टीम इंडिया में चहल या कुलदीप को किया जा सकता है शामिल।